बहुत घूमी है हमने दिल्ली और इंदौर की गलियां, न भूली हैं न भूलेंगी हमें लाहौर की गलियां। ये लाहौर है पंजाब का दिल, जिसके जिक्र पर आंखें चमक उठती हैं, दिल धड़क उठते हैं। लाहौर का ख्याल आते ही ये खूबसूरत तस्वीर आंखों के सामने नाचने लगती है। इस खूबसूरती का रास यहाँ की बुलंद इमारतें या पुरफजा बाग नहीं, बल्कि यहाँ के पास ही थे। हमारी कहानी इस शहर के एक छोटे से घराने से ताल्लुक रखती है। ये एक सच्चा वाका है, लेकिन नाम फर्जी है। आज मैं पता लगा छोड़ूंगा कि पिताजी रात के अंधेरे में हर रोज कहां जाते हैं। रात का अंधेरा आदमी के गुनाहों पर पर्दा डाल देता है, स्याही स्याही को अपने दामन में छुपा लेती है, लेकिन कब तक? आखिर चीने याद है वो दिन जब हम इस पीपल के छांव तले पहली बार मिले थे? तुम्हारी आंखों में उस दिन एक अजीब मस्ती थी, कुछ ना कहने पर भी इन आंखों ने बहुत कुछ कह दिया था। उस दिन यहाँ बैठे बैठे पता ही नहीं चला कब दोपहर हो गई, कब शाम ढलकी और कब आकाश पर सितारे बिखर गए। ये पीपल का दरख्त हमारी मोहब्बत का राजदार है। ये क्या हो गया है तुम्हें? इतनी बातें बनाना कहाँ से सीख ली? तुम्हारी आंखों ने ही मुझे सब कुछ सिखा दिया है। मैं मोहब्बत और प्यार को पागलपन समझता था, लेकिन जब से इन आंखों को देखा है मोहब्बत और प्यार के सिवाय दुनिया में और कोई चीज नजर नहीं आती। छोड़ो जी, हर वक्त मोहब्बत का ही रोना, आखिर ये है किस बला का नाम? ये समझाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। रग रग में कोई चीज तूफान बन के मचल रही है। न जाने क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तो कैसे समझाऊं? अच्छा,
तो ये गीत है जो आंखों से लिखा जाता है और दिल के साज पे गाया जाता है। एक दिल के साज पर नहीं, दो दिलों के साज पर। हमारे प्यार के क्यों ही जवां रहे, मैं वही रहूं मेरा साजन जहां रहे। हमारे प्यार के क्यों ही जवां रहे, हमारे प्यार के यूं ही जमा रहे। बन जाएगी जो प्यार की मीठी कहानी, दुनिया हमारे बाद हमें क्यों कर दिया, प्यार करने वाले थे पर एक जान है, हमारे प्यार के यूं ही जमा रहे, मैं भी वही रहूं तेरा साजन जहां रहे। दुनिया हमारे प्यार के निशाना बांधने वाले हमारी जान हाजिर है। वो मरा। लाओ भी एक एक गाना करो जेबे ढीली अपनी। हाँ ला ला। हाँ है को सुरमा और जो आए मैदान में बस। साजी बच्चों के मुंह लग रहे हो, मर्द हो तो हमारे साथ खेलो। ना भाई, हम घाटे का सौदा नहीं करते, क्यों किसी की रोजी में टांग अड़ाते हो। जाओ अपना रास्ता ना पहुँचा। अच्छा धंधा पकड़ा। अरे जा यार, नमस्ते। भैया भैया घर चलो, माँ बुला रही। अरे किशन यार जरा सबर करना, अभी तो बादी का रंग जमा है, बस दो मिनट और। हाँ। ये ले 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 ले, एक आना तू भी ले। हाँ। देव, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, दिल बहला रहे हैं। शर्म नहीं आती इन छोटे छोटे बच्चों से पैसे छीनते हुए तुम्हें? अरे छीनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो हाथ की करामात है, हाथ की। अब घर चलोगे या कुछ और सुनाओ? ए,
अरे जा, बड़ा आया सुनाने वाला, शर्म नहीं आती बड़े भाइयों को आंखें दिखाता है। अच्छा दोस्तों भाई, अब तो चलते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, एन वक्त पे पहुंच जाइएगा। हाँ जाइए, आंखें दिखाना, चल चल। भगवान को हमसे दुश्मनी है, इतने दिनों से आप बेकार फिर रहे हैं, आमदनी की कोई सूरत नहीं, ऊपर से औलाद मिली है वो भी निकम्मी। अब जो कुछ किस्मत लिखा है उसे कौन मिटा सकता है, जैसी रूखी सूखी मिल रही है उसे ही गनीमत समझो। लेकिन कर्ज ले लेकर कब तक गुजारा करेंगे, आपके दोस्त भी तो कर्ज दे देकर तंग आ गए होंगे। तुम चिंता क्यों करती हो, मेरे दोस्त मुझे धोखा नहीं देते, ये मुझे कभी इनकार नहीं करते। अगर ऐसी ही बात है तो किसी से कह सुनकर देव को नौकरी पर ही लगवा दो। देव अगर किसी काबिल होता तो रोना किस बात का था। ऐसा ना कहिए पिताजी, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं उठा रखी, लेकिन कोई अच्छी नौकरी ही नहीं मिलती। अभी अभी गली में थानेदार साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने उम्मीद दिलाई। जब देखो जमीन आसमान की हदें मिलाते रहते हो, झूठ क्यों बोलते हो, तुम तो गली में जुआ खेल रहे थे। देखा पिताजी, इसकी मेरी तो जन्म जन्म दुश्मनी है, जब देखो मेरी शिकायत कर रहा है। ठीक तो कहता है, आखिर तुमने कौन सा तीर मार दिया, मुझसे छिपाकर मां से रुपया बटोर लेते हो और जाकर शराब की नजर कर देते हो। वो तो पिताजी मैंने कब से छोड़ रखी है। छोड़ रखी है तो कल रात गली में कौन आंधा पड़ा हुआ था। जिसे देखो मेरे खिलाफ है, मैं बाप से क्या कहूँ। वो घर की चीजें नहीं चुराता। नहीं पिताजी, वो सब कुछ कर लेता है, माँ ने तो उसे सर पे चढ़ा रखा है, दुनिया भर का कर्जा देना है उसने। और उधर कर्ज माँ की चूड़ी से चुकाया जा रहा था। ए भाई, उधर देखो साहब क्या मांगता है। ओ मैनेजर साहब, ये लीजिए, इसकी कीमत डाल लीजिए, परसों का बिल काट कर बाकी मेरे हिसाब में जमा कर दो। इसके 50 रुपए होंगे, सोच लो। सोच ले। अरे भाई बहुत है आज के लिए। मैनेजर तुम जानो हम ठहरे रईस ज़ादे, कई 50 आए और चले गए, कौन परवाह करता है। देवदास राजा। अरे कौन पूरन चाम। जियो, सुना मेरे यार क्या हाल है। हेलो हेलो हेलो। देवदास राजा, बस तुम्हारी कमी यार, तुम्हारे बगैर तो महफिल ही सुनी पड़ी रहती। अरे मेरे पूरन यार, तेरी मोहब्बत के तो हम गुलाम है, मोहब्बत ना करते बड़ा काम करते, मोहब्बत से लेकिन बड़ा काम क्या है। अरे अरे पंडित जी, पंडित जी आप आज कहाँ, संभल कर महफिल रिंदा में तुम रखना कदम पंडित, यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं। अरे जंग बहादुर तुम शरबत पी रहे हो। अरे छोड़ो मेरे यार, लुत्फ मैं तुमसे क्या कहूँ, जाहिर अरे कमबख्त तुमने तो कभी पी ही नहीं। हबीब साहब आदाब आदाब। अरे यार हम ऐसे हो, लाओ जी मैनेजर साहेब। लानत है इस शराब पर, खून पसीने की कमाई खा जाती है। तुम सब मुजरिम हो, तुम पागल हो जो बीवी बच्चों का पेट काट कर शराब में रुपया लुटाते हो। भाई लोग आंखें खोलो, ठंडे दिल से, बर्फ में लगे हुए दिल से सोचो कि ये अंगूर की बेटी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है, सच कहता हूँ खून को पानी बना रही है। भाई लोग तुम दौलत देकर जहर पी रहे हो। चुप रहो, हमारा धंधा क्यों खराब कर रहे हो। अबे चपड़ कंचू, अगर जुबान खोली तो सर बोतल में घुसेड़ दूंगा। हाँ तो भाई लोग मैं क्या कह रहा था कि तुम दौलत देकर जहर पी रहे हो। भाई लोग मेरी मानो, ये बुरी आदत को छोड़ दो, सच कहता हूँ इस आदत को छोड़ दो, तो मौत को जिंदगी समझ कर पी रहे हो। और साहब आपने क्या अमृत पी रखा है। मेरे दोस्त पी मैंने भी शराब है, मगर मेरा दिल गवा
गवाही देता है कि ये गुनाह है, पाप है। आज से मैंने तौबा की, तौबा तौबा। भाई लोग, तुम भी मेरे साथ तौबा करो, करो तौबा 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 तौबा। बॉय बॉय बॉय। अबे ठहरो ठहरो, क्या करते हो? पैसे दिए हैं, कोई धागा नहीं डाला है। अच्छा भाई लोग, अब तो चलते हैं महकते से मीर, फिर मिलेंगे घर खुदा लाया। भाई देखो, फूल सा बदन है, जरा आराम से है। मिलना आगे ये रुपए कहाँ से आए? कौन से रुपए? अलमारी में रखे थे। तुम्हारे पिताजी ने रखे होंगे। पिताजी कहाँ से लेके आए? किसी से कर्ज लाए होंगे। क्या सुबह सवेरे झगड़ा शुरू कर दिया है? रुपए 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 के सिवा और कोई बात ही नहीं। तुम चुप रहो जी। माँ ये बताओ, ये रुपए कहाँ से आए? तुम्हें पूछने का हक क्या है? आखिर मैं भी कमाता हूँ, मेरी कमाई से बचा के रखे होंगे। तुम नहीं कमाते तो ये समझते हो कि घर का घर ही बेकार है। तुम्हें फीस लेने से काम है, लो और जाओ। मैं खूब जानता हूँ जितना तुम कमाते हो। पिताजी पिताजी जरा उठिए। भैया इतनी जल्दी क्या है? सोकर उठेंगे तो पूछ लेना। पिताजी पिताजी क्या बात है बेटा? अलमारी में रुपए आपने रखे थे। हाँ, क्या चोरी हो गए? नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये कहाँ से लेके आए? क्या पूछते हो बेटा? तुम्हारे ही लिए लेकर आया हूँ। तुम्हें कॉलेज की फीस देनी थी ना। बेटी, अगले महीने तुम्हारा इम्तिहान खत्म हो रहा है, इसके बाद तुम कॉलेज छोड़ देना। ये क्या माँ, बीए तो पास कर लूँ, एफए से क्या बनेगा? अब काफी पढ़ाई हो चुकी, तुमने कौन सा बीए करके नौकरी करनी है? फिर भी बीए तक पढ़ लेना अच्छा होता है। अरे अब छोड़ दे कॉलेज की पढ़ाई, अब पति के घर जाके पढ़ लेना। माँ कैसी बातें करती हो। मजाक तो नहीं कर रही, सोच रही हूँ कि अब तुम्हारे हाथ पीले कर दूं, ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। लड़का तो मैंने ढूंढ लिया है, जानती हो वो कौन है? मैं क्या जानू? जानती तो सब कुछ हो, वो है चमन। क्यों? माँ मैं जाती हूँ, तुमने तो तंग करना शुरू कर दिया। अरे कहाँ चले? यही गली में एक सहेली के पास। कितनी लाज बनती है मेरी बच्ची।
आओ लीलो, तुम तो इस घर से परे परे भागती हो, कभी आया जाए। अरे तुम चुप भी बैठो ना, आओ लीलो बेटी मेरे पास आ जाओ, लो चाय पियो। माँ तुम तो जबान पर ताला ही लगा देती हो, किसी से बात भी करूँ तो कर्फ्यू लग जाता है। अच्छा मैं बाहर जाता हूँ, घर जल्दी आ जाना। हाँ माँ मैं कथा सुनने जा रहा हूँ, बस जल्दी आ जाओ। सुनाओ लीलो, खूब पढ़ाई हो रही है? चमन भी कुछ पढ़ता लिखता है या नहीं? मुझे क्या पता, मैं तो कई दिनों से उससे मिली ही नहीं। अच्छा तुम दोनों एक ही कॉलेज में तो हो? अरे अरे छोड़ो, चाची आ जाएगी, तुम वहीं आकर मिलो। मादम बाम बुलायदा होशियार, माता जी की सवारी आती है। अच्छा तो चाची मैं जाती हूँ, जरा बैठो, अभी आई हो चल रही थी, फिर आऊंगी चाची। अच्छा ले लो, बताओ बात। अजी छोड़ो, वो मैंने तुमसे मजाक किया था। बात तो जरूर कोई है, देखो तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारी आंखें खुशी से चमक रही। जब तुम सुनोगे ना तो तुम्हारा दिल भी खुशी से झूमने लगेगा। फिर टालने की कोशिश की, अब कह भी तो। मेरी मंगनी हो रही है। मंगनी किससे? है एक चमन नाम का, माँ कहती थी वो लड़का लाखों में एक है। इसमें तो कोई शक ही नहीं, लेकिन वो लड़का भी तुम्हें पसंद करता है या नहीं? अजीब, वो तो दिन रात घर के चक्कर काटता है। लेकिन अब वो घर के चक्कर काटना छोड़ देगा, इम्तहान का नतीजा निकलने वाला है और अगर उसे मुंबई से वजीफा मिल गया तो यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। ये तो खुशी की बात है। और अगर उसे मुंबई में नौकरी मिल गई तो? फिर तो क्या ही कहने हैं, उसे नौकरी मिल जाएगी वो मुझे अपने पास बुला लेगा। आज तक वो छुप छुप कर मुझसे मिलता है, फिर वो दुनिया से कहे कि मैं उसकी हूँ और वो मेरा। सुन लो सजन हाँ, सुन लो सजन मेरी बात, मेरी बात जी की बात, छोड़ ना देना कहीं, छोड़ ना देना कहीं, मेरा साथ मेरा साथ की बात। सुन लो सजन को, सुन लो सजन मेरी बात, मेरी बात जी की बात। चुप चुप
चुप हो क्यों, कुछ तो बोलो सजनवा, कह दो दिल की बात, हाँ कह दो दिल की बात, दिल की बात मेरी बात, सुन लो सजन को, सुन लो सजन मेरी बात, मेरी बात जी की बात। तुम ये कबूल कर चुके हो कि तुमने चोरी की है, तुम्हारे कब्जे से चोरी का माल भी बरामद हो चुका है, लेकिन तुमने अपने बचाव के लिए अपनी जबान से एक लफ्ज भी नहीं कहा। तुमने जवानी की मंजिल में अभी पहले ही कदम रखा है, मुझे तुम पर रहम आता है। इंसाफ का तराजू तुम्हारी नौजवानी को देखकर जरा झुक गया है। मैं तुम्हें 6 महीने असली मुजरिम मैं हूँ, ये निर्दोष है, इसका कोई कसूर नहीं, लेकिन इसका जुर्म तो साबित हो गया। असली मुजरिम मैं हूँ जज साहब, शायद अपने बूढ़े बाप के सफेद बालों की लाज रखने के लिए ये इल्जाम अपने सर ले रहा है। असली मुजरिम मैं हूँ, चोरी मैंने की थी और मैं चोरी करने पर मजबूर था, उस वक्त मेरे सामने इसके सिवा और कोई रास्ता न था। गलत, कोई किसी को चोरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। जय साहब, जमाने की गर्दिश इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती है। एक जमाना था जब मैं भी आपकी समाज का एक हिस्सा था, इज्जत शोहरत दौलत उस वक्त सब कुछ मेरे पास था, फिर एक ऐसा वक्त आया कि तकदीर के पहिए ने करवट ली और मेरी दौलत ने मुझसे मुंह फेर लिया। इसके साथ साथ दौलत की लौंडियां इज्जत और शोहरत भी मुझसे रुखसत हो गईं, मेरे पास छोड़ गईं मेरे 3 बच्चे और एक इनकी माँ। मेरे बच्चों ने फूलों की सेज पर आंख खोली थी, बाप का दिल इन्हें जमाने की ठोकरों और पत्थरों की सेज पर ना देख सका। मैंने खुददारी का गला घोटकर उन दोस्तों के दरवाजे पर दस्तक दी जो कभी मेरे बंगले पर मेहमान बन के रहते थे, लेकिन मेरी दौलत के साथ साथ उनकी दोस्ती भी रुखसत हो गई। उनसे निराश होकर मैं बेगानों के दरवाजे पर गया, 30-30 रुपए की नौकरी के लिए मिन्नतें की, लेकिन ना तो उन्हें मेरे बच्चों पर रहम आया ना इस बूढ़े बाप की फरियादों पर। मजबूर होकर मैंने खुदकुशी की ठानी, लेकिन मेरी बुजदिली ने मुझे इस इरादे से बाज रखा। अब मेरे लिए सिर्फ 2 दरवाजे बाकी रह गए थे, एक चोरी और दूसरी। लेकिन जय साहब, जिन हाथों को मैंने भीख देने के लिए खोला हो उन्हें भीख मांगने के लिए कैसे पसारता। मैं जानता था चोरी पाप है, बहुत बड़ा पाप, लेकिन पेट की जहन्नुमी भट्टी को जो मेरे और मेरे बीवी बच्चों के साथ थी, इसकी आग को कैसे बुझाता। बरसों रातों के अंधेरे में मैं अपनी आंखों के उजालों के जिंदा रहने का सामान करता रहा। पहले पहले ये बूढ़े हाथ कांपे, लेकिन धीरे धीरे मेरा साथ देने लगे और मैं एक आदि मुझ बन गया। क्या इसके बयान में सच्चाई है? पुलिस का क्या बयान है? हुजूर, ये मुमकिन हो सकता है, रात को जब मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया था तो इसकी गिरफ्तारी से पहले वहां से किसी के भागने की आवाज आई थी, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस वक्त वहां मुल्जिम ही मौजूद था। जज साहब, नहीं नहीं जज साहब, वो मैं ही भागा था, चोरी मैंने ही की है, मैंने चोरी नहीं, मैं आपके इस बात से बदला ले रहा था। जज साहब, आपकी समाज की नजरों में दिल की कोई कीमत नहीं, आत्मा का कोई दर्जा नहीं, आपकी समाज इन पिताजी हाथ खड़े हो गया। पिताजी, तुम्हें बरी किया जाता है। मैं तो कहती हूँ ये घराना ही चोरों का है। क्यों नहीं, बुढ़ा तो बरसों से बेकार है, छोटा कॉलेज पढ़ता है, बड़ा तो है नवाब साहब, शराब पीना जुआ खेलना, अगर चोरी ना करे तो ये ठाट-बाट कैसे चले। अरे ये तो मैं पहले ही से जानती थी,
एक बार मेरी मुरादाबादी चप्पल चोरी हो गई थी, मुझे तो आज तक शक है कि उन्हीं के घर से कोई ले गया होगा। मैं जरा लीलो की माँ के पास जाती हूँ, वो भी उसकी बड़ी सहेली बनी फिरती थी। तेरी किस्मत ही ऐसी है बेटी, बड़ी मुश्किल से तेरे लिए एक वर ढूंढा था, वो भी ऐसा ना कहो माँ, इसमें चमन का क्या दोष? ना देखो, आखिर बेटा तो उसी का है ना, शहर भर में उसी के चर्चे हो रहे हैं। क्यों लीलो की माँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बहन, आओ बैठो। सच तो बहन, मुझे बिचारी इस लीलो पर तो तरस आता है। गऊ है लड़की गऊ, देखो ना रामलाल चोर निकला, जिधर भी निकलती हूँ उसी की बातें हो रही हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आता बहन, ये सब हुआ कैसे? अरे तुम भी बड़ी भोली हो, मैंने तुमसे कई बार कहा ये घर अच्छा नहीं, तुम अपने बुरे भले को तो समझती नहीं हो। ये तो शुक्र हुआ कि अभी लीलो की चमन से मंगनी नहीं की, नहीं तो सचमुच बिचारी का दिल टूट जाता। हाँ बहन, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। मैंने तुमसे पहले भी जिक्र किया था कि अमृतसर में मेरी मासी का लड़का है, पढ़ा लिखा है, भगवान की दया से सब कुछ है उसके पास, इन दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी बनेगी। तुम हाँ कह दो तो मैं लड़के को बुलवा कर दिखा। लीलो जरा वहां आओ तो। नहीं अब मैं वहां नहीं आ सकती। तुम्हें मेरी कसम अगर ना आओ तो। चले जाओ चमन, मेरा दिल और ना दुखा, जाओ। नहीं मानता था लेकिन पाँव अपने आप ही इधर कुचल पड़े। मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी, इस वक्त जब के पिताजी हमसे बिछड़ गए, दिल रही है लीलो, मुझे तुमसे हमदर्दी की जरूरत थी। तुम्हें तसल्ली देने वाले तो कई मिल जाएंगे लेकिन मेरा कौन हमदर्द है? तो इसका ये मतलब है कि तुम भी मुझसे निराश हो गई हो, तुम भी मुझे कसूरवार समझती हो। मेरे समझने या ना समझने से क्या होता है, माँ का दिल तुम्हारी तरफ से फिर गया है। मुझे तुम्हारी माँ की परवाह नहीं, दुनिया की परवाह नहीं, बस इतना बता दो लीलो कि तुम मेरी हो, तुम मुझे निर्दोष समझती हो। चमन मुझसे ना पूछो, मुझे तो अपने सपने टूटते नजर आते हैं। तुम अपने आप उन्हें तोड़ रही हो, अगर पिताजी ने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? तुम भी तो एक दिन के लिए जेल गए थे। गया था, वो मेरा फर्ज था, मैंने कोशिश की कि मेरे बाप की इज्जत बच जाए लेकिन ऐसा ना हुआ। लीलो क्या तकदीर की एक छोटी सी ठोकर तुम्हें मुझसे छीन लेगी? वो वादे वो कसमें सब टूट जाएंगे, वो दिन जिसके हम ख्वाब देखा करते थे वो कभी ना आएंगे। लीलो इस वक्त दुनिया ने मुझे पांव तले रौंदा है, तकदीर ने मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है, तुम तो मेरा साथ छोड़ के दुनिया के साथ ना हो जाओ। बस करो चमन, मैं जानती हूँ तुम निर्दोष, मैं तुम्हारे साथ दुनिया का मुकाबला करूंगी। चमन ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, यूं ही लीलो से बातें कर रहा था। बातें कर रहा था? सारा शहर मेरी हंसी उड़ा रहा है और इधर तुम्हें मोहब्बत का गम खाया जा रहा है। पिताजी तो निर्दोष थे, तुम्हीं ने सारे शहर में मेरी बदनामी करवाई है। चुप रहो देव। चुप कैसे रहूं? तुम्हारी वजह से सारे शहर में मेरी मट्टी प्रीत हो रही है। ना जाने कितने जतन से अपनी इज्जत बनाई थी लेकिन तुमने उठाकर खाक में मिला दी। मैं खूब जानता हूँ कितनी इज्जत है तुम्हारी। अरे तुम कल के छोकरे क्या जानोगे, चलो चलो घर चलो, यह हमारा गर्दी छोड़ो। शुक्र है आज दोनों भाइयों को इकट्ठा देखा। माँ पकड़ के लाया हूँ, हम इधर दुनिया से मुंह छुपा रहे हैं और ये बरखुरदार मोहब्बत के ड्रामे खेल रहे हैं। चुप रहो देव, जो कुछ मुंह में आता है बक जाते। इधर आओ चमन, तुम्हारे नाम का एक खत रखा हुआ है। आया माँ। कहाँ है माँ? ये लो। आ माँ बैठ।
अरे माँ, मुझे बम्बई से 100 रुपए महीने का वजीफा मिल गया। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। किशन, मुझे वजीफा मिल गया। भैया, अरे वजीफा क्या मिल गया, एक जन्नत की परी हाथ आ गई है क्या? तुझे दुख हुआ है? तू अनपढ़ है तो सारी दुनिया ही तो बुद्धू नहीं। माँ, ऐसे वैसे वजीफे तो हमारे आगे पीछे फिरते हैं, हम तो ऐसी नौकरी करेंगे जो कम से कम गवर्नर के दर्जे की हो। माँ, देव की बातें छोड़ो, ये तो हवाई कला ही बनाता रहता है। हाँ। माँ, मैं अभी आता हूँ। कहाँ चले? अभी आया माँ। मुझे बम्बई से वजीफा मिल गया है, मैं कल बम्बई जा रहा हूँ। लीलू, क्या पढ़ रही हो? कहीं से खत आया है? नहीं तो माँ, वो एक पुराना खत पढ़ रही थी। ना देखो तो कौन सा खत है। वो वही माँ, वो जो पिछले साल कानपुर से मामा जी का आया था। अरे देखो तो सही, तेरा रंग क्यों फीका पड़ गया। अच्छा, ये है तेरे मामा का खत। अखबार के सफे पर लिखा हुआ है, चमन का खत है ना। अरे कम्बर, तुझे 100 बार मना किया है कि उस चोर के बेटे से मिलना छोड़ दे। सलंकनी, तू बाज नहीं आती। खामखा चमन को दोष न दो, साली कभी एक हाथ से तो नहीं बचती। ये बातें अपने ही घर में रखना, समझा देना अपने बेटे को। अगर भूल कर भी मेरे दरवाजे पर कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगी। हाँ माँ, कहने दो, दुनिया जो कुछ भी कहती है कहने दो, लेकिन भगवान तो जानता है हम क्या है। तुमने इस तरह चिट्ठी क्यों की? और तुम्हें कैसे बताता कि मुझे कल जाना है? ये तो मुमकिन ना था कि तुम्हें मिले बगैर चला जाऊं। लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि मेरे सर पर क्या आफत आई। माँ ने तुम्हारी चिट्ठी पकड़ ली और मुझे गालियाँ दी, और अब वो तुम्हारे घर चाची से लड़ने गई है। कमबख्त, तू फिर यहाँ आ मरी? चल घर, तेरे सर में आग डालती हूँ आग। तुम्हें क्या हो गया चाची? चाची का बच्चा, अगर आज से मैंने लीलू के साथ देखा तो कच्चा चबा जाऊंगी। बेचारी भोली बच्ची को फरेब देकर तूने इसका सत्यानाश कर रखा है। चल अब मर भी कि दुनिया को तमाशा दिखाएगी। चल। क्या तुम सचमुच जा रहे हो भैया? तुम्हारे बगैर मेरा जलेगा। पगला कहीं का। देखो किशन, माँ का ख्याल रखना, देव को तो तुम जानते ही हो। तुम चिंता ना करो भैया। मगर हम तुम जुदा ना गए।
ही दूर जा रहे हो, कोई मिलने तक नहीं आया। मुझे सिर्फ तुम्हारा ही आसरा है बेटा। माँ तुम दुनिया की परवाह ना करो, मैं तुम्हारे खर्च के लिए अपने वजीफे में से कुछ ना कुछ बचा के जरूर भेजा करूँगा। झुक झुक जियो मेरे लाल, लेकिन मेरे लिए अपने आप पर बोझ न डालना। भैया जाते ही खत लिखना। हाँ किशन क्यों नहीं, देखना मुझे भूल नहीं जाना। अच्छा माँ मैं चलूँ। बेटा मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ाऊँ। हाँ माँ चलो स्टेशन तक चले। नहीं माँ मैं चला जाऊँगा, घर में कोई नहीं, देव भैया से मेरी नमस्ते कहना। कमबख्त तुम्हें मिलने भी नहीं आया। कोई बात नहीं। अच्छा माँ प्यारी माता जी, मैं खैरियत से हूँ। ये सुनकर आपको खुशी होगी कि मुझे 100 रुपये महीने की ट्यूशनें मिल गई। घर के खर्च के लिए 100 रुपया भेज रहा हूँ और इसी तरह हर महीने 100 रुपया भेजता रहूँगा। ईश्वर मुझे इस काबिल बनाए कि मैं आपकी इसी तरह सेवा करता रहूं। किशन को प्यार, देव को नमस्ते, आपका बेटा चमन। क्यों पंडित तोताराम यार, कभी हमारी नौकरी वोकरी का खत पत लाया करो ना। सरकार हाथ खड़े रहे, नौकरी करे आपके दुश्मन। ये आपका एक खत है और माता जी के नाम एक मनी ऑर्डर। हाँ मनी ऑर्डर लाओ फिर मैं ले। सरकार एक कायदे के खिलाफ है, माता जी को ही बुलाइए, उनके दस्तखत होंगे तभी रुपया मिलेगा। अरे यार तुम बड़े शक्की आदमी हो बरखुरदार, हम खुद ठहरे सरकारी मुलाजम है, लाओ हमें दे दो। अरे बाबा माता जी के दस्तखत करवा के लाता हूँ, घबराते क्यों हो। माता जी चमन का मनी ऑर्डर आया है, जरा दस्तखत कर दीजिए। बेटा जरा कलम दवात लाओ ना। लीजिए लीजिए माता जी, ये फाउंटेन पेन लीजिए। हाँ 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 यहाँ कीजिए माता जी। ठीक है। किशन किशन जरा आना इधर, गवाही डालना जरा। हाँ भैया यहाँ यहाँ हाँ हाँ बस बस बिल्कुल ठीक है। माता जी बस मैं रुपया लेकर अभी आया। किससे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं माँ जी, वो मेहतरानी बख्शीश मांग रही थी। क्या हैंड राइटिंग है माँ का, हाय ग्रेजुएट मालूम होती है। हाँ भाई ले। अबे माँ के हैं यार। भाई देख तो ले जरा। अरे एतबार करना, देख ले। अच्छा भाई लो 100 रुपए गिनो। अरे यार गिना गिनाया है, हमें तुम पे एतबार है। तोता राम क्या याद करेगा तू भी, ये ले बख्शीश। मेहरबानी साहब। अरे मेहरबानी उसकी जो घर बैठे बिठाए भेज देता है। जा मेरे यार तोता राम। चलो चल के शरबत पिए आप। भाई लोग जियो, जी भर कर जियो। अरे भाई जीने का मजा तो जब है कि सांस भी उखड़े तो झनकार में पैमानों की। अरे सेठ गिड़वानी, दौलत को तिजोरी में जमा करके क्या साथ ले जाओगे? आओ तुम्हें दौलत खत्म करने का एक नहायत ही आसान गुर बताऊं। क्या गुर है? जियो।
जी भर के जियो, गर मर्द है तो प्यारे कौड़ी न रख कफन को। अरे धर्मदास, आज ये सब सजन हमारे मेहमान हैं, इनकी खूब खातर करो। ये भी क्या याद करेंगे कि राय बहादुर देवदास से पाला पड़ा था। जोदास, वो बिल कौन देगा? अरे धर्मदास, फिर वही बिल की बात। मेरे भाई, कई बार तुमसे कहा है कि रईसों से उलझा नहीं करते। उस दिन जो एडवांस दिया था उसका क्या हुआ? वो तो कब का खत्म हो गया। अब तो तुम्हारे नाम 3 रुपए उधार के निकलते हैं। ची, 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 3 रुपए? अरे यार, कोई सैकड़ों हजारों लाखों की बात किया करो। क्या 3 रुपए की बात कर रहे हो, और वो भी देवदास से। लो नकद 100 रुपया। दिल की बातें निगाह से। ये क्या है भाई? चमन बम्बई। ले माँ, तेरी चिट्ठी जा रही है बम्बई। ले, चमन को मिल गई। आ गए हो? तुम अभी तक जाग रही हो माँ? तुम्हें कई बार कहा है कि मेरा इंतजार ना किया करो। माँ, मैं जरा लैलापति मजनू की कथा सुनने गया था, इसलिए देर हो गई। अरे कभी तो अकल से काम लो। गली कूचे में बदनाम हो, जिस तरफ से निकलते हो तुम पर उंगलियां उठती है। आखिर तुम इस इल्लत को छोड़ क्यों नहीं देते? माँ, मुझे तो शराब के नाम ही से नफरत है। मैं तो छोटा सोडा ही पीकर आ जाता हूँ। सब जानती हूँ बेटा, कई बार समझाया है कि सौ ऐब एक तरफ और शराब एक तरफ। अच्छा माँ, चल छोटा सोडा भी छोड़ दिया आज से। तुम क्या छोड़ोगे? घर का कुछ ख्याल होता तो 2 पैसे कमा लाते। अब तो घर का तार तार बिक चुका है। मैं कल से राय साहब के घर की नौकरी कर रही हूँ। मैं तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? और तुमने कौन से मेरे लिए खजाने भर रखे हैं? शर्म नहीं आती? नौकरी ना करूँ तो तुम्हें 2 वक्त खाना कैसे मिले? चमन भी अपनी दुनिया में मस्त है और तुम तो हो ही दुनिया से बाहर। ये एक नन्ही सी जान है जिसे भगवान ने इतनी ताकत ही नहीं दी कि मेरा बोझ हल्का कर सके। चमन के नाम जो चिट्ठी दी थी डाल दी थी? हाँ हाँ माँ, वो तो मैं बड़े डाकखाने में हाथ में देकर आया था। भैया, आने से पहले खबर तो दी होगी। मैंने सोचा कि मैं चुपचाप जाके अपने किशन को गले से लग दूंगा। तुम्हें मेरी चिट्ठी मिल गई थी? हाँ। तो बताओ, तुम्हारे वो वादे क्या हुए चमन? तुम्हारी वो कस्में कहाँ गई? 1 साल तक तुम मुझसे दूर रहे, लेकिन भूल कर भी मेरा पता न पूछा। ये गलत है लीलो। मेरा हर दिन तुम्हारी याद में और हर रात तुम्हारे ख्वाबों में कटते थे। इसीलिए शायद घर पर खत लिखने की फुर्सत ही नहीं मिली। नहीं लीलो, मैं तो हर हफ्ते घर पर खत लिखा करता था, तुम्हारा हाल पूछता रहा हूँ। हर खत में लिखा होता था कि लीलो बहुत अच्छी है। हाँ, लीलो बहुत अच्छी है। देखो, रो रो कर इन आंखों की रोशनी मध्यम होती जा रही है। अब तो सिर्फ मौत का इंतजार है। ऐसा ना कहो लीलो। जिस दिन मुझे नौकरी पे हाजिर होना था उसी दिन तुम्हारा खत पहुंचा। मैं नौकरी की परवाह ना करते हुए सीधा यहाँ चला आया और तुम मेरी तरफ से इस तरह मायूस होकर बैठी हो। मायूसी के सिवा और कुछ नजर भी तो नहीं आता। निराश ना हो लीलो, मैं जो तुम्हारी आशा बन के आया हूँ, अगर दिल से तुम मेरी हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। हम एक दूसरे के होकर ही रहेंगे। लेकिन कब? ये तो उसी सूरत में हो सकता है कि मैं अपनी नौकरी पे वापस चला जाऊँ। इस वक्त मेरी नौकरी खतरे में है। मेरी जिंदगी भी तो खतरे में है चमन। सच बताओ, क्या तुम मुझे उसी नजर से देखते हो जिस नजर से पहले देखते थे? मेरी नजरें बदल नहीं गई लीलो। हमारी मोहब्बत में जितनी कठिन मंजिलें आ रही हैं, मेरा प्यार उतना ही निडर होता जा रहा है। अच्छा तो तुम वापस चले जाओ, मैं आने वाली मुसीबतों का मुकाबला करूंगी। अगर माँ ने मुझे शादी पर मोर किया तो मैं लोग लाज छोड़कर खुद ही तुम्हारे पास चली आऊंगी। मेरी लीलो, हाथ बढ़ाओ।
सचमुच जी ही नहीं भरा। कल आए और चल भी दिए। माँ प्रार्थना करो मुझे जाते ही मकान मिल जाए और मैं तुम्हें अपने पास बुला लूं। देखो भैया आपके भी खत में लिखा तो हम खुद ही चुपचाप पहुंच जाएंगे। अच्छा सा मकान लेना सुंदर किनारे। हाँ और एक मोटर कार भी खरीद लेना। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। कहीं बम फटा है। शायद फसाद हो गया। लीलो चिल्ला रही है। लीलो की जिंदगी खतरे में। मैं जाता हूँ। मैं जाना बाहर कितना आदमी जमा है। तुम अकेले क्या कर सकोगे? छोड़ दो माँ मुझे छोड़ दो। मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा। जमान भैया 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 दरवाजा बंद कर दिया है। धुआं उठ रहा है। इसका दरवाजा तोड़ो। मैं तो कपड़े को ले लूं। मारा कपड़ों को छोड़ो। जान बचाने की कोशिश करो। और उमेश सुनाओ भाई दर्द फिराक का क्या हाल है? लाहौर से तुम्हारी राधा का कोई खतवत आया या नहीं? क्या पूछते हो यार। या तो राधा अपनी दुनिया में मस्त है या डाकिये को हमारे घर का पता याद नहीं रहा। भाई रमेश अगर मेरी बात मानो तो अब शादी कर ही डालो। आखिर कब तक इस बिरह की आग में जलते रहोगे? अजी दोस्त हम तो उसी दिन के लिए ठंडियाएं भर रहे हैं। कोई सूरत नजर नहीं आती। आपके सर्दियों में मेरा ख्याल है कि बात पक्की हो ही जाएगी। हाँ तो अपनी किताब लेते जाना मैंने खत्म कर ली। अरे अपनी राधा का तो ख्याल रखा करो। बेचारी किताब से चिपकी हुई है। राधा की तस्वीर? हाय जालिम मैं भी सोच रहा था कि रात मुझे नींद क्यों नहीं आई। ये तस्वीर सराहने नहीं रखी थी। और देखो चमन अब तुम अपनी किताब खरीद लो। बुक सेलर के पास स्टॉक आ गया है। रमेश बुक सेलर का तो एक बहाना था। दरअसल इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि मैं अदा नहीं कर सकता। ये कीमत की भी है कि कही अमा 100 रुपए महीना वजीफा मिलता है 100 रुपए की ट्यूशन करते हो और फिर भी रोते हो। कोई बिल्डिंग बनाने का इरादा है? बिल्डिंग तो नहीं एक झोंपड़ी की गिरती हुई दीवारों को खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम नहीं जानते रमेश मेरी माँ ने कितने दुख दर्द सह के मुझे तालीम दिलवाई है। मेरा फर्ज मुझे मजबूर करता है कि मैं उसकी बेहद खिदमत करूं। उसकी अनथक मेहनतों का कुछ तो बदला चुका हूं। फिर ख्यालों में डूब गए। न जाने क्या कुछ कह गया। रमेश तुम किस तरफ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूं। क्यों? तो लगे हाथों ये मनी ऑर्डर कर देना। देखना भैया भूल नहीं जाना। माँ इंतजार कर रही होगी। बेहतर। एक दो तीन। अरे दरवाजे पर तेल छिड़को देखो तो सही कौन आया। क्या है बहन? अरे होगा क्या तुम्हारे घर चांद आया है। चांद जुग जुगाओ। बैठो बैठो बेटा। देख लिया जैसा सुना था वैसा ही निकला ना। अमृतसर में वो ठाट बाट है कि रईसों के भी न होंगे। अरे दरवाजे पर हाथी झूलता है हाथी। बहन मुझे तुम्हारे पे विश्वास है। लीलो जैसे मेरी बेटी है वैसे ही तुम्हारी। कहाँ है मेरी लीलो? जरा उसे बुलाओ ना। जरा उठो देखो कहाँ है। यही कहीं होगी अभी लाती हूँ। अरे लीलो तेरी मासी आई है। अरे लीलो दरवाजा खोल। अरे पगली ये क्या बचपना है। हाय राम तुम ये खत
देखते ही चले आओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी लीलों को जमाना तुमसे जुदा कर दे। मुबारक मुबारक मुबारक। चमन यार तुम बड़े खुश नसीब हो, इधर इम्तिहान खत्म हुआ उधर नौकरी मिल गई, इसे कहते हैं किस्मत का धनी। यार हम तो ना जाने कब तक कॉलेज के स्कूलों में जोते जाएंगे। मेरी जन्म पत्री में लिखा है कि मैं तमाम उम्र स्टूडेंट ही रहूंगा। चमन कभी कभी कॉलेज का चक्कर लगाते रहना, मैं हमेशा यहीं मिलूंगा। जरूर जरूर, जब मेरे बच्चे इस कॉलेज में पढ़ने आएंगे ना तो उनसे कह दूंगा कि चाचा से मिलते रहना। अच्छा भाई हम तो चलें। अच्छा भाई तुम घर कब जाओगे दोस्त? रमेश बस यही अफसोस है कि अब मैं घर ना जा सकूंगा। क्यों? फौरन नौकरी पे हाजिर होना है। मेरी माँ मेरे लिए कितनी बेकरार होगी, बेचारी गिन गिन के दिन काट रही होगी। मैं उसे एक बरस तक रुपया महाना भेजता रहा, अब हमारे घर की हालत बहुत अच्छी होगी, नया फर्नीचर आ गया होगा, मेरी बैठक सजी होगी, अब घर पहले सा घर ना होगा। मेरी माँ के चेहरे पे कितनी मुसर्रत होगी, मेरा घर मेरा घर। साथ चिट्ठी आपकी, शायद माँ का खत है। क्या बात है चमन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? कुछ नहीं रमेश। कोई बात तो जरूर है, बताओ ना। क्या बताऊं, खुशी के साथ साथ गम भी पीछा कर रहा है। लीलो का खत है। मैं घर जाऊंगा। और नौकरी का इंतजाम कर लूंगा। रमेश जरा असबाब मानने में मेरी मदद तो करना। हाँ हाँ क्यों नहीं। Thank you.
गए। मैं हर महीने 100 रुपए भेजता रहा हूँ। मनी ऑर्डर रसीदों पे तुम्हारी गवाही हुआ करती थी। ये देखो, समझा, ये उसी कमबख्त की करतूत है। समझ लेता हूँ उसे। भैया भैया, मेरी सूरत देखना भी पसंद नहीं करते। मैं ये नहीं जानता, मैंने उस दिन तुम्हारी माँ से सब कुछ कह दिया था। तुम लोग बार बार मेरे दरवाजे पर आकर मुझे परेशान ना करो। आज तुम मुझे इस घर के दरवाजे से ठुकरा रहे हो, जिस घर की मैं रहने वाली थी। तुम राधा नहीं, वो राधा तो मर चुकी है। राधा नहीं मरी है, तुम्हारी गैरत को मौत आ गई है। अगर मुझे किस्मत ने जलील किया तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अगर मुझे कोई अगवा करके ले गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और ये पाप की गठरी जो तुम अपने साथ उठाए फिर रही हो, ये मेरा पाप नहीं, ये तुम्हारे ही किसी भाई का पाप है जो मुझ पर लादा गया है। वो तुम्हारा ही कोई भाई था, जिसके दिल में दया ना थी, आंख में शर्म ना थी, जिसने एक अबला की फरियाद ना सुनी। ये तुम्हारा ही खून है, ये तुम्हारे ही जिस्म के टुकड़े हैं। लीलो, लीलो, माफ कीजिएगा, मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। आप किसको पूछते हैं? लाहौर से मिसेज अमीर चंद को। कौन है? चाची, बेटा। लीलू कहाँ है चाची? बेटा, लीलू लाहौर में ही रह गई। लाहौर? ना जाने मैं यहाँ कैसे पहुँच गई हूँ। पता नहीं वो है या मर गई। ऐसा ना कहो चाची, मैं लीलू का पता लगाऊंगा। चलो मैं तुम्हें माँ के पास ले चलूँ। माँ, चाची आ गई। बहन, मेरे किस्म की जान तो रास्ते ही चली गई। माँ, अब रोने धोने से क्या फायदा? बहन, लीलू कहाँ है? वो तो बेचारी लाहौर ही में रह गई। मैं दिन रात ये प्रार्थना करती हूँ कि वो कहीं जल। चाची, लीलू को मैं लाहौर से ढूंढ कर लाऊंगा। पागल हो गए हो? बेटी तो खो बैठी हूँ, अब बेटे से भी हाथ धो लूं? नहीं चाची, चाहे मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं लीलो का पता लगा कर ही छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। भूल जाओ लीलो को। बहन, इसे समझाओ ना, क्या मूर्खता कर रहा है। मूर्खता नहीं, अपना फर्ज अदा कर रहा है। बहन, तुम भी इसके पीछे पागल हो गई हो? बेटे की जिंदगी प्यारी नहीं? बहन, बेटी ज्यादा प्यारी होती है। किशन चला गया है, देवता ने कहा है। अब अगर इसकी भी जिंदगी लीलो को तलाश करते करते खत्म हो जाए तो मुझे दुख न होगा। लीलो, चमन, तुम आज ही चले जाओ, मेरे आशीष तुम्हारे साथ है। बहन, तुम दखल ना दो। बहन, लीलो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी की तलाश के लिए अपने बच्चे को भेजती हूँ। चमन। अरे रमेश, तुम यहाँ? हाँ यार, तुम्हारी ही तलाश में आया हूँ। बम्बई से कब आए? चंद दिन हुए हैं। यहाँ पहुंचकर तुम्हारा ख्याल आया कि शायद लाहौर छोड़कर तुम भी यहीं आए होगे। हाँ भाई, किस्मत ने यह दिन भी दिखाना था। मैं तो कल फिर लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर?
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वहां से तो लोग जाने बचाकर आ रहे हैं और तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। नहीं, मैं भी एक जान बचाने जा रहा हूँ। लीलो लाहौर में रह गई। लीलो की खातिर जा रहे हो? तुम भी बड़े फलसफी हो। चलो आज मेरे साथ घर चलो, फिर किसी वक्त चलेंगे। अरे कल की कौन जानता है, चलो आज हम तुम्हें अपनी दुनिया की एक झलक भी दिखा दें। चलो आओ। अरे बताया ही नहीं, कौन राधा? अबे राधा को अब कौन पूछता है? क्यों, उसे क्या हो गया? वो लाहौर से यहाँ आ गई है और उसके साथ एक पाप की गठड़ी भी बंधी हुई है। समझा, तुमने उसकी तरफ से आंखें फेर ली। और क्या करता, उसके कलंक को अपने माथे पर चिपका लेता। तुम उसे कलंकनी कहते हो? वही कलंकनी जो तुम्हारे दिलो दिमाग पे छाई हुई थी, जिसकी याद में तुम दिन रात ठंडी आहें भरा करते थे, और आज तुम। ये लड़की कौन है? ये सलमा है, माँ बाप से बिछड़कर बेचारी मारी मारी फिर रही थी। मैंने सोचा ये मोती मिट्टी में ना मिल जाए, हम इसके क्यों ना कदरदान बन जाएं। यही समझाने तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ कि तुम भी मेरी तरह अपनी जिंदगी का वीराना आबाद कर सकते हो। लाहौर जाने की क्या रमेश, शर्म नहीं आती? एक मजलूम की मजबूरी से बेजा फायदा उठा रहे हो। अजीब बात है, तुमसे बात करके तो झगड़ा मोल ले लिया। तुम्हारी अकल पर तो पर्दा पड़ गया है। रमेश जरा सोचो, जिस तरह ये मजलूम बेजबान आज तुम्हारे हाथों एक जलील जिंदगी बसर कर रही है, हमारी कितनी माएं और बहनें दूसरी तरफ तुम जैसे लोगों के हाथों मजबूर होंगी। जरा आंखें खोल कर देखो, तुम्हें इस लड़की में अपनी बहन, अपनी माँ नहीं नजर आती? इस जिंदा लाश पे तुम्हें तरस नहीं आता? तुम्हारी ललचाई हुई नजरें इसकी तरफ कैसे उठती हैं? तुम इसकी आंखों में बेबसी और मजलूमियत झलकती हुई नहीं देखते? तुम इंसान होकर एक इंसान को पिंजरे में डाल रहे हो। अगर इंसान हो तो राधा को पहचानो, वो मजबूर है, निर्दोष है। इस तरह ये लड़की। चमन, मैं शर्मसार हूं कि मेरे दिल में एक बहन के लिए बुरा ख्याल पैदा हुआ। मेरा रमेश, बहन तुम कहाँ की रहने वाली हो? अमृतसर की। तुम्हारे माँ बाप? लाहौर में। बहन मैं तुम्हें कल लाहौर पहुंचा दूंगा, कल सुबह तुम तैयार रहना। इसकी फिक्र ना करो, इसकी आंखें खुल गई हैं, अब ये तुम्हें पहचानने लग गया है। अच्छा अब मैं जाता हूँ, कल सुबह मैं आऊँगा। भाईजान, मैं तुम्हें क्या दुआ दूँ, अल्लाह करे तुम्हें जमाने की गर्म हवा छूने तक ना पाए। देखना रमेश, अफसर चाची और लीलो को पता पूछ कर आता हूँ। हाँ हाँ पता लगा, न जाने बेचारी कहाँ होंगी। हाँ ठीक है, वहां जाकर बैठ जाइए। लाहौर रोड से श्रीमती सरस्वती देवी तो नहीं जा?
तुम मेरी सूरत देखना भी पसंद नहीं करते? मैं ये नहीं जानता, मैंने उस दिन तुम्हारी माँ से सब कुछ कह दिया था। तुम लोग बार बार मेरे दरवाजे पर आकर मुझे परेशान ना करो। आज तुम मुझे इस घर के दरवाजे से ठुकरा रहे हो, जिस घर की मैं रहने वाली थी। तुम राधा नहीं, वो राधा तो मर चुकी है। राधा नहीं मरी है, तुम्हारी गैरत को मौत आ गई है। अगर मुझे किस्मत ने जलील किया तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, अगर मुझे कोई अगवा करके ले गया तो इसमें मेरा क्या कसूर। और ये पाप की गठड़ी जो तुम अपने साथ उठाए फिर रही हो? ये मेरा पाप नहीं, ये तुम्हारे ही किसी भाई का पाप है जो मुझ पर लादा गया है। वो तुम्हारा ही कोई भाई था जिसके दिल में दया ना थी, जिसने एक अबला की फरियाद ना सुनी। ये तुम्हारा ही खून है, ये तुम्हारे ही जिस्म के टुकड़े हैं। लीलो, माफ कीजिएगा, मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। आप किसको पूछते हैं? लाहौर से मिसेज अमीर चंद को। कौन है? चाची बेटा। लीलू कहाँ है चाची? बेटा, लीलू लाहौर में ही रहेगी। लाहौर? ना जाने मैं यहाँ कैसे पहुँच गई हूँ, पता नहीं वो है या मर गई। ऐसा ना कहो चाची, मैं लीलू का पता लगाऊंगा। चलो मैं तुम्हें माँ के पास ले चलूँ। माँ, चाची आ गई। बहन, मेरे किसन की जान तो रास्ते में ही चली गई। माँ, रोने धोने से क्या फायदा। बहन, लीलो कहाँ है? वो तो बेचारी लाहौर ही में रह गई है। चाची, लीलो को मैं लाहौर से ढूंढ कर लाऊंगा। पागल हो गए हो, बेटी तो खो बैठी हूँ, अब बेटे से भी हाथ धो लूं? नहीं चाची, चाहे मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं लीलो को पता लगा कर ही छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, भूल जाओ लीलो को। बहन, इसे समझाओ ना, क्या मूर्खता कर रहा है। मूर्खता नहीं, अपना फर्ज अदा कर रहा है। बहन, तुम भी इसके पीछे पागल हो गई हो, बेटे की जिंदगी प्यारी नहीं? बहन, बेटी ज्यादा प्यारी होती है। किशन चला गया है, देवा ने कहा है, अब अगर इसकी भी जिंदगी लीलो को तलाश करते करते खत्म हो जाए तो मुझे दुख न होगा। लीलो, चमन, तुम आज ही चले जाओ, मेरे आशीष तुम्हारे साथ है। बहन, तुम दखल ना दो। बहन, लीलो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी की तलाश के लिए अपने बच्चे को भेजती हूँ। चमन। अरे रमेश, तुम यहाँ? हाँ यार, तुम्हारी ही तलाश में आया। बम्बई से कब आए? चंद दिन हुए हैं। यहाँ पहुंचकर तुम्हारा ख्याल आया कि शायद लाहौर छोड़कर तुम भी यहीं आए होगे। हाँ भाई, किस्मत ने ये दिन भी दिखाना था। मैं तो कल फिर लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वहां से तो लोग जाने बचाकर आ रहे हैं और तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। नहीं, मैं भी एक जान बचाने जा रहा हूँ। लीलो लाहौर में रह गई। लीलो की खातिर जा रहे हो? तुम भी बड़े फलसफी हो। चलो आज मेरे साथ घर चलो, फिर किसी वक्त चलेंगे। अरे कल की कौन जानता है, चलो आज हम तुम्हें अपनी दुनिया की एक झलक भी दिखा दें। चलो आओ। अरे बताया ही नहीं, कौन? राधा? अबे राधा को अब कौन पूछता है? क्यों, उसे क्या हो गया? वो लाहौर से यहाँ आ गई है और उसके साथ एक पाप की गठड़ी भी बंधी हुई है। समझा, तुमने उसकी तरफ से आंखें फेर ली। और क्या करता, उसके कलंक को अपने माथे पर चिपका लेता। तुम उसे कलंकनी कहते हो? वही कलंकनी जो तुम्हारे दिलो दिमाग पे छाई हुई थी, जिसकी याद में तुम दिन रात ठंडी आहें भरा करते थे। और आज तुम, ये लड़की कौन है? ये सलमा है, माँ बाप से बिछड़कर बेचारी मारी मारी फिर रही थी। मैंने सोचा ये मोती मिट्टी में ना मिल जाए, हम इसके क्यों ना कदरदान बन जाएं। यही समझाने तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ कि तुम भी मेरी तरह अपनी जिंदगी का वीराना आबाद कर सकते हो। लाहौर जाने की रमेश, शर्म नहीं आती? एक मजलूम की मजबूरी से बेजा फायदा उठा रहे हो। अजीब बात है, तुमसे बात करके तो झगड़ा मोल ले लिया। तुम्हारी अकल पर तो पर्दा पड़ गया है। रमेश, जरा सोचो, जिस तरह ये मजलूम बेजबान
आज तुम्हारे हाथों एक जलील जिंदगी बसर कर रही है। हमारी कितनी माएं और बहनें दूसरी तरफ तुम जैसे लोगों के हाथों मजबूर होंगी। जरा आंखें खोल कर देखो, तुम्हें इस लड़की में अपनी बहन, अपनी माँ नहीं नजर आती। इस जिंदा लाश पे तुम्हें तरस नहीं आता। तुम्हारी ललचाई हुई नजरें इसकी तरफ कैसे उठती हैं? तुम इसकी आंखों में बेबसी और मजलूमियत झलकती हुई नहीं देखते। तुम इंसान होकर एक इंसान को पिंजरे में डाल रहे हो। अगर इंसान हो तो राधा को पहचानो, वो मजबूर है, निर्दोष है। इस तरह ये लड़की है। चमन, मैं शर्मसार हूं कि मेरे दिल में एक बहन के लिए बुरा ख्याल पैदा हुआ। मेरा रमेश, बहन तुम कहाँ की रहने वाली हो? अमृतसर की। तुम्हारे माँ बाप? लाहौर में। बहन मैं तुम्हें कल लाहौर पहुँचा दूंगा। कल सुबह तुम तैयार रहना, इसकी फिक्र ना करो। इसकी आंखें खुल गई हैं, अब ये तुम्हें पहचानने लग गया है। अच्छा अब मैं जाता हूँ, कल सुबह मैं आऊँगा। भाईजान, मैं तुम्हें क्या दुआ दूँ? अल्लाह करे तुम्हें जमाने की गर्म हवा छूने तक ना पाए। देखना रमेश, मैं आपके पास एक अमानत सौंपने आया हूँ। फरमाइए। ये अमृतसर की एक मुसलमान लड़की है, इसके वालदैन लाहौर पहुँच चुके हैं। ये बेचारी बिछड़ कर वहीं पीछे रह गई थी। आपका नाम? मेरा नाम तो चमन है। मैं आपकी इंसानी हमदर्दी की तारीफ करता हूँ। काश मुल्क के सब नौजवान आप जैसे होते। मैं लियाज़न ऑफिसर को टेलीफोन करता हूँ, ये काम उनका है। अच्छा सलमा बहन, मुझे इजाज़त दो। भाईजान, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमतों से माला माल करे। लीलू बहन का अगर मुझे पता चला तो मैं अपना ईमान समझकर तुम्हारे पास लाऊंगी। ये तो तकदीर की बात है। अच्छा मैं जाता हूँ। हेलो लायजन ऑफिसर। अमृतसर जाते वक्त उसने हमारा साथ छोड़ दिया था। बस करो भैया, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। दुख दर्द में भी माँ के साथ ना रहा, लानत है मुझे। भैया अब रोने से क्या फायदा, भगवान को यही मंजूर था। अब जो जिंदा है उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लीलो तक लाहौर में है, मैं उसकी तलाश में आया हूँ। लीलो की? उसकी अब तलाश करना फजूल है भैया।
वो पराई हो चुकी है। तुम जानते हो वो कहाँ रहती है? हाँ, अपने पुराने मकान में, शेख यूसुफ के पास। भैया मुझे वहां ले चलो। तुम्हारे होश ठिकाने हैं या नहीं? लीलो अब वो लीलो नहीं है, तुम उससे मिलके क्या करोगे? वो एक गिरी हुई लड़की है। भैया ऐसा ना कहो, लीलो गिरी हुई नहीं, मजबूरी को गिरावट का नाम ना दो। तुम अपनी हठधर्मी ना छोड़ोगे? भैया चलो मान लो कि वो तुम्हारे साथ आ भी गई, फिर उसे लेकर कहाँ जाओगे? धर्म उसे हरगिज अपने साथ शामिल ना करेगा। मैं उस धर्म की परवाह नहीं करता जो लकीर का फकीर है। ये सिर्फ लीलो का सवाल नहीं, ऐसी हजारों देवियां हैं जिनकी निगाहें धर्म के ठेकेदारों की तरफ लगी हुई हैं। अगर धर्म ने इनको ना अपनाया तो इनके साथ साथ धर्म भी मिट जाए। जब धर्म के नियम बनाए गए थे उस वक्त मजहब के नाम पर फसाद नहीं होते थे, अगवा की हुई लड़कियां नहीं थी। अब वक्त ने हमारे सामने एक नई उलझन रख दी है जिसे सुलझाना हमारा फर्ज है। मेरा तो अब भी ख्याल है कि तुम साए के पीछे दौड़ रहे हो, मगर तुम मजबूर करते हो भैया तो मैं कल जाकर उसका पता लगाता हूँ, फिर तुम मेरे साथ चलो। अरे वो लैला, क्या हो गया तुम्हें? कान बहरे हो गए या कोई बीमारी लग गई? अल्लाह कसम तुम्हें तो हाथ पर हिलाना भी नहीं आता। क्या है अम्मा? जरा जल्दी से खाने की फिक्र करो, यूसुफ आता ही होगा। अच्छा खाना तैयार है अम्मा? अभी नहीं। तो क्या वो कमबख्त लैला सोई रहती है? कभी वक्त पर खाना पकता ही नहीं। तो इतना गर्म सर्द क्यों होते हो? घर में कदम रखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। बैठो, पका जाता है। सिगरेट फूंकने शुरू किए हैं? मैं सिगरेट नहीं फूंक रहा, सिगरेट मुझे फूंक रहे हैं। अम्मा गली में सब्जी वाला आया है, सब्जी ले आओ। हाँ ले आओ, और देखो बात सोच समझ कर करना, तुम्हें तो दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं, दो आने की चीज चार आने में ले आती हो। किसी ने पहचान लिया तो? तुम मेरी परवाह ना करो, एक जरूरी काम से आया हूँ। जल्दी बात करो। जमन अमृतसर से आया है और चाची भी वहां पहुंच गई है,
बहन, चार आने से एक पैसा कम नहीं होगा, ताजा माल है। आपका जी चाहता है तो लीजिए, वरना आपकी मर्जी। हाँ तो चमन तुम्हें लेने आया है। मुझे जाओ दे, उसे जाके कह दो कि तुम्हारी लीलू मर गई, उसे किस्मत ने जीते जी मौत की नींद सुला दिया। कैसी पागलपन की बातें कर रही हो, वो अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी तलाश में आया है। उससे कह दो कि वो वापस चला जाए, उसकी जिंदगी मुझसे ज्यादा कीमती है। मेरा क्या है, मैं तो एक मिट्टी का खिलौना जिससे तकदीर अपना दिल बहला रही है। नादान ना बनो, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इस जाल से निकल रही हो। इस जाल से निकलकर कहां जाऊंगी, समाज का जाल भी तो रास्ते में बिछा हुआ है। मैं एक महीना घर से बाहर रही हूं, मैं चमन के काबिल नहीं, मेरी वजह से समाज की नजरों में वो भी जलील होगा। उसने फैसला कर लिया है कि वो समाज की दीवारें तोड़ देगा। तुम्हारे सामने वो समाज को कुछ नहीं समझता, कल वो मेरे साथ आएगा, आमने सामने बातें कर लेगा, कल इसी वक्त। लेकिन लैला, अभी आई अम्मा? ये लो सब्जी और जल्दी से चली जाओ। लैला सब्जी लेने गई थी या सारी मंडी का सौदा करने? आधा पहर सब्जी लेने में ही लग जाता है। पके हुए मटर थे, जरा चुन चुन के ले रही थी। बड़ी निकम्मी हो, छींक मारने में भी आधा घंटा लगा देती। क्या भाव लिए? दो आने सिर। दो आने? आ साले को लूट लिया, मटर का भाव तो चार आना है। हाँ हाँ, चार ही आने, तो रुपए में से उसने मुझे 12 आने वापस किए। खुदा की बना, हद हो गई, पैसे गिनने तक नहीं आते, रख दो वहाँ। आलू मटर तीले। मुसाफिर से खफा, मुसाफिर से खफा, मंजिल इधर भी है उधर भी है, वही रोता हुआ। उधर एक दर्द है दिल में जो आंसू खो नहीं सकता, इधर आंखों में आंसू है मगर मैं रो नहीं सकता। जमाने से परेशान, जमाने से परेशान, दिल इधर भी है उधर भी है, मुसाफिर से खफा। मोहब्बत में वही, मोहब्बत में वही मुश्किल, इधर भी है उधर भी है, मुसाफिर खफा। वही एक गम का अफसाना कहे जाते हैं हम दोनों, मुकद्दर के इशारे पर बहे जाते हैं हम दोनों। निगाहों से परे, निगाहों से परे साहिल, इधर भी है उधर भी है, मुसाफिर से खफा, मुसाफिर से खफा, मंजिल इधर भी है उधर भी है, वही रोता हुआ। भैया उसने भी वही कहा है जो मैंने तुमसे कहा था। कहती थी कि अब वो समाज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। समाज, वो भूल रही है, मोहब्बत में कोई समाज नहीं होती।
मोहब्बत अपने आप एक समाज है, दुनिया की हर समाज उसके सामने हेच है। मैं लीलों को सामने लेके आऊंगा, समाज के ठेकेदारों को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। लेकिन वो चलने पर तैयार भी होगी। क्यों नहीं, मैं जानता हूँ मेरी, उसने मेरी बदनामी के कारण ही आने से इनकार कर दिया है भैया। शायद ऐसा ही हो, मैं लीलों से कल तुम्हें साथ लाने का वादा कर आया हूँ, आमने सामने बातें कर लेना। मैं जरूर जाऊंगा, मैं उसे इस बम की पैर से आजाद करके ही छोड़ूंगा। भैया भैया, क्या तुमने उसे अच्छी तरह देखा था? क्या उसकी आंखों में मेरा इंतजार नहीं था? उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था सिवाय गम के। ऐसा जान पड़ता था कि वो एक चलती फिरती लाश है जो जीने पर मजबूर हो। लीलो, शुक्र है कैंप वालों ने चरखा दे दिया है, वक्त तो कट जाता है। बहन, मुझे तो उस वक्त सुख का सांस आएगा जब मेरा चमन घर लौट के आए। भगवान उसकी रक्षा करेगा। मेरा दिल कहता है वो लीलो के साथ लेकर ही आएगा, उन दोनों का प्यार एक दूसरे को जरूर मिलाएगा। याद है तुमने दुनिया के कहने सुनने में आकर उनका मिलना बंद कर दिया था, लेकिन वो आंख बचाकर मिल ही जाते थे। क्या वो नहीं मिलेंगे? हाँ बहन, मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था, मेरी मूर्खता थी जो मैं दुनिया की बातों में आ गई। मेरा दिल भी यही कहता है कि वो जरूर मिलेंगे। लैला, झाड़ू दे लिया? दे रही हूँ अम्मा। सब्जी ले आओ। पहले झाड़ू तो दे लो। वो चला जाएगा। अच्छा, तुम झाड़ू दे लो, मैं ले आती हूँ। जी अम्मा है। क्या भाव? चार आने से। और मटर? चार आने से। और बैंगन? चार आने से। अरे तो एक बार कह दो ना, हर एक माल चार आना, आधा सर बैंगन दो। नहीं, चार आने। अरे तुम तो कोई मस्खरे दिखते हो, शेर के भी चार आने, आधा शेर के भी चार आने, ये लो दो आने। चलो भैया। लैला, लैला, सब्जी वाला कोई पागल सा आदमी था, हर चीज की कीमत चार आने बताता था, शेर के भी और आधा शेर के भी। शायद कोई पागल था। ऐसा न कहो माँ,
क्यों किसी को अपने मुंह से पागल कहती हो? अरे मैंने तो यूं ही कह दिया, पागल नहीं कोई मस्करा था, या शायद नया नया सब्जी बेचना शुरू किया। मैं चली नीचे। बुढ़िया ने तमाम खेल चौपट कर दिया, लेकिन लीलू क्यों नहीं आई? कौन जाने, शायद राज खुल गया हो या बीमार हो। वो जरूर बीमार होगी, वरना मैं उसके घर पे चल के जाऊं और वो ना आए, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो अब क्या करें, अंदर जाकर देखने से तो रहे, किसी ने देख लिया तो टुकड़े घर डालेगा। वहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, आराम से बैठ जाओ। मैं सब्जी ले आऊं ना, तुम आराम करो ना, मैं ले आती हूँ। अच्छा तुम्हें ले आओ, मैं जरा आराम कर लूं। लैला ठहरो, देखो सब्जी जरा देखभाल कर लाना, ऐसे ही ना उठा लाना। हो गया है लीलू,
तुम्हारी तो सूरत में पहचाने नहीं जाते। चमन, शायद एक बार तुम्हें देखने के लिए अभी तक जिंदा। नहीं नहीं लीलो, ऐसा न कहो। मैं तुम्हें नई जिंदगी देने आया हूँ, तुम मेरे साथ आओगे ना? कहाँ ले जाओगे मुझे? मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। चमन, मैं अंधेरा हूँ, तुम्हारी दुनिया का उजाला भी मुझे गले न लगा सकेगा। ऐसा ना कहो लीलो, मेरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम सच्चाई से आंखें चुरा रहे हो। तुम इस वक्त जोश में आकर मुझे अपने साथ तो ले जाओगे, लेकिन सोसाइटी के तेवर देख। अगर मैं कमजोर होता तो यहाँ तक ना आता। मैं सिर्फ एक ही इरादा बांध के निकला हूँ, ले जाना। कल सुबह तुम तैयार रहना, कल मैं इसी वक्त आऊंगा, भूलना नहीं। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, आलू मटर। आप कल 11 बजे उस लड़की के साथ आ जाइएगा, मैं आपको अमृतसर बहिबाजे पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भैया। नमस्ते जी। चमन भैया। सलमा, तुम कहो, तुम्हारे माँ बाप मिल गए? हाँ भाईजान, आपकी दुआ से। यहाँ किस तरह आई हो? आपकी तलाश में। मैंने ये मेरे बड़े भाई हैं। हाँ आगे कहो। मैंने लीलू बहन को बोला, मेरी बदकिस्मती उनका कहीं पता नहीं चला। सलमा, तुम्हें खुशी होगी, वो मुझे मिल गई है। कहाँ है मेरी बहन? बीडन रोड पर, मैं कल सुबह उसे ले आऊंगा। कैसे लाओगे भाईजान? किसी ना किसी तरह तो ले ही आऊंगा। ऐसा न कीजिए, किसी ने देख लिया तो नसीबे दुश्मन आपकी जान खतरे में होगी। इसके सिवा और चारा भी तो नहीं। क्यों नहीं, बहन को भी तो अपने एहसानों का हक अदा करने दीजिए। मैं उन्हें वहां जाकर ले आऊंगी, और इस बात पर तो किसी को शक नहीं होगा। लेकिन वो तुम्हें पहचानेगी कैसे? अपनी कोई निशानी दे दीजिए। मेरे पास तो कुछ नहीं। हाँ, उसकी एक निशानी बताता हूँ। उसके हाथ में मेरी एक दी हुई अंगूठी है, जिस पे चमन लिखा हुआ है। और हाँ बहन, उसका नाम वहाँ लैला है। बीडन रोड, महावीर स्ट्रीट, मकान नंबर 16 में रहती है। अच्छा भाईजान, मैं जाती हूँ, कल सुबह। सलाम। सलाम। वालेकुम। अल्लाह भला करे। कौन हो तुम? दुख दर्द की मारी हुई एक बदनसीब। चार दिन से फाके से हूँ। अमृतसर में घर बार था, सब बर्बाद हो गया। अम्मा, कुछ खाने को दो, अल्लाह के नाम पर दो। ठहरो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। लैला, जरा बाहर तो आओ। लैला, दो रोटियां दो इसे। अच्छा। लीलू बहन, कौन तुम? अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे चमन भैया ने भेजा है, चलो मेरे साथ, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। सोच कह रही, उठ चलो इस पिंजरे से, कहीं से याद ना देख ले। अल्लाह आपको खुश रखे।
तुम रुक क्यों गई? वो आ रहा है। समझे? घबराओ नहीं, तुम जल्दी चलो। कौन जाने रात भर में कई मुसीबत खड़ी हो जाए। माफ कीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। भाई साहब हम उतर जाते हैं, आप चले जाइए। आओ भाई। औरतों का साथ है, हम कल चले जाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी। चलो ये लो, दे भैया जल्दी करो। अच्छा सलमा बहन। भाई जान, अल्लाह तुम्हारा निगेबान हो। ले लो बहन, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। चलो। तुम्ही ने चमन को जाने के लिए उकसाया था, बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। सरस्वती बहन चिंता न करो, वो आ जाएगा, आखिर उसे गए हुए चार ही दिन तो हुए हैं। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बेटा, बेटा, आज तूने मुझे नई जिंदगी दी है। माँ, मैं तुम्हारे लिए लाहौर से एक तोहफा लेके आया। तोहफा? हाँ, वो देखो। मेरा दिल। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा, बेटा, दुनिया ने बहुत चाहा कि तुम बिछड़ जाओ, मगर तुम तो एक दूसरे के लिए पैदा हुए थे। बेटा, मैं अपनी लाइफ तुम्हारे हाथ दे रही हूँ, भगवान करे ये जोड़ी सदा फले फूले। चमन, भैया, मेरी तो यही दुआ है कि राधा जैसी सारी लड़कियों को उनके रमेश मिल जाए। सुंदर सजन भाई।